हमारे श्रीमान शरद यादव जी का जो हो, मैं प्रश्न समझाऊँ, उनका तकलीफ भी मैंने समझाऊँ, उनका तकलीफ भी मैं समझाऊँ, लेकिन इसमें जो अनारने सेक्टर है, इसको बहुत सालों से, आप जैसे बताया 60 सालों से इसको जो है अनारने सेक्टर को जितना सोशल सिक्योरिटी देना चाहिए उतना नहीं दिया गया। उसी के तहत जो है हमारी सरकार आने के बाद, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी जो है आने के बाद, इसके ऊपर सेपरेट जो है मीटिंग भी लगाया गया, नंबर वन। नंबर टू, मैं आपको कोऑर्डिनेशन के बारे में जो पूछा गया, इसमें आर एस बी ओ स्कीम में हमारे जो अभी तक जो बेनिफिशरीज है 3.85 करोड़, आम आदमी बीमा योजना 8 करोड़ फैमिलीज एंड ओल्ड एज पेंशन 2 करोड़, मैं केवल तीनों का बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने पहले सूचित दिया हूँ 10 जो है मंत्रालयों का मैंने सूचित दिया हूँ, और भी नए नए आ रहे, तो इसलिए ज़्यादा जो है सोशल सिक्योरिटी कवरेज देने के लिए जो असंगठित मजदूर है जिनको कोई ऐसी कानून नहीं है, जो मिनिमम वेज एक्ट के बारे में, ऐसे बहुत से एक्ट है ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में, बहुत से एक्ट है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में, असंगठित क्षेत्र के बारे में कुछ एक्ट भी बराबर नहीं है, तो इसलिए हम इसको पहले सोशल सिक्योरिटी एक्ट जो है मजबूत में बनाया, और उसी को ज़्यादा से ज़्यादा हम इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आप सभी पार्लियामेंट मेंबर से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब लोगों का सहकार मुझे चाहिए। चाहे महाराष्ट्र मुंबई के अंदर देखिए, आप पंजाब के अंदर देखिए कि एग्रीकल्चर वर्कर तो आप सब बाहर से आता, और ये आप परंपरा पूरे हिंदुस्तान में जी गई। कश्मीर के अंदर आप देखिए तो आपको कोई वर्कर नहीं मिलेगा बिल्डिंग बनाने का, त्रिखान का, मेसन का, मजदूर का, यही तकरीबन स्थिति हिंदुस्तान के हर स्टेट में। तो ये प्रपोजल कई दफा आया,